नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में देखा होगा कि BSF कंपनी का एक्सपेरेंस जो इंसेक्टिसाइड आता है, एक तरह का कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी कि स्पर्सी है, जैसे स्पर्स में आता है किड्स के, तो उसको तभी ख़त्म कर देता है। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट भी है, तो इसका एक आपने पहले ही वीडियो देखा होगा और अभी एक दोबारा से इसके ऊपर रिव्यू बनाने वाला हूँ दोस्तों, बनाया है इसके ऊपर, जिसके मुझे काफ़ी अच्छे बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि आगे को आपको इसके साथ रिव्यू, आपको जो इसका मुझे एक्सपीरियंस होगा उसका मैं आपको साझा करूँगा। तो जैसे आपने टाइटल में देखा होगा कि वर्सेज है इसमें एक्सपीरियंस वर्सेज जो है लीफ माइनर और वाइट फ्लाई के ऊपर है। इससे पहले मैंने आपको इसको फल छेदक तना छेदक सुंडी के ऊपर बताया था कि काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वाइट फ्लाई के ऊपर जो है वो लगभग 70-80% तक जो है ये वाइट फ्लाई को कंट्रोल करती है। क्योंकि वाइट फ्लाई एक ऐसा जो कीट रहता है, मक्खी रहती है, उसका लाइफ साइकिल बहुत लंबा रहता है दोस्तों। 7 से 11 दिन में उसका लार्वा जो है वो मक्खी में तब्दील होता है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है सिस्टम तरीके से जो है इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके जो है वो ख़त्म होती है। और वो एक ऐसा कीट रहता है जो रस चूसता है पत्तियों से और उसमें वायरस इंजेक्ट करता है, जिससे कि आपका लीफ कर्ल जैसी समस्याएं सामने आती हैं। तो उस चीज़ को ये 70-80% कंट्रोल करता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों वाइट फ्लाई को। और दूसरा लीफ माइनर, लीफ माइनर में हालांकि आप अभी आप लॉट देख पा रहे हो पीछे, जिसमें कि बहुत सारी पत्तियों में जो है लीफ माइनर, खासतौर पर अभी का एक्सपीरियंस मैं लीफ माइनर के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, वाइट फ्लाई का एक्सपीरियंस काफ़ी पहले का है। तो लीफ माइनर जो रहता है आपका, वो भी जो है वो बहुत ही कम दवाइयों से कंट्रोल होता है और ख़ास तौर पे सिस्टमिक दवाइयों से ही वो कंट्रोल होता है। पर एक्सपोनेंस जो है उसमें मुझे लगभग ये बात बता सकता हूँ कि 90-95% तक जो है ये कंट्रोल कर दिया है। उस पर बहुत ही भारी मात्रा में, अभी बरसात का मौसम था, उसके बाद के अभी सीज़न में मैंने जो है इसमें छिड़काव किया, तो अगले 5 दिनों के बाद देखा तो पत्तियों में जो है वो, आपको पता है कि लीफ माइनर जो है वो गुफा बनाता है पत्तियों के अंदर से, और अंदर ही अंदर आपके स्टोमेटा वगैरह जो भी आपका जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं होती हैं उसको डैमेज कर देता है, जिससे कि पौधा जो है खाना नहीं बना पाता और कुछ समय के बाद जो उसमें उन जो गलियां बन जाती हैं बीच में, गुफाएं बन जाती हैं, उसमें जो है फंगस इंजेक्ट होता है। फंगस जो है अपने आप, जैसे ही अंदर मॉइस्चर, खाली स्पेस होगा, मॉइस्चर उसमें आएगा तो अपने आप जो है फंगस तैयार हो जाता है, जिससे कि पौधे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उस चीज़ में जो है लीफ माइनर काम करता है, उससे भी इसने काफ़ी अच्छे जो है निजात किया है, लगभग 95% तक जो है इसने उसमें कंट्रोल पा लिया है। हालांकि मुझे लगता था कि ये चीज़ जो है उस पर काम नहीं करेगी, पर हमने 4 से 5 दिन स्प्रे किए, 4 से 5 दिन के बाद देखा तो उसमें लीफ माइनर में जितने भी वो सुरंगें रही थी उसके अंदर जो किट होता है, आपने अगर निकाला होगा उसको काफ़ी पत्ते को फाड़ के, तो उसके अंदर सारे के सारे किट थे जो मर चुके थे बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे ही जो है छिलके की तरह अंदर बिल्कुल फोफले हो चुके थे, खाली हो चुके थे, सारे के सारे किट मर चुके थे। हमने बहुत सारे इवन कम से कम जो है 40 से 50 पत्तियों को आगे पीछे इसमें छान मारा, जहाँ पे सारे के सारे किट जो है वो मर चुके थे। तो इसने काफ़ी अच्छे बेटर रिजल्ट्स जो हमें लीफ माइनर में भी दिए हैं, पर कॉस्टली है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसका कॉस्टली है। 17 ग्राम की जो ML की जो पैकिंग मैं लेके आया था वो लगभग जो है 1000 रुपये के आसपास हमें मिली थी, जिसमें कि 1100 रुपये के आसपास कुछ रेट रहता है। आप इसको जो है 2 ML जो है 20 लीटर पानी में डाल सकते हो, पर आप 2.5 ML डालते हो तब भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं और 2 ML पे भी रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं, पर मैंने इसको 2.5 ML के आसपास इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें रहा वो ये है कि हार्वेस्टिंग के दौरान जो है हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसी दवाइयों को जो अवॉइड करते हैं, ताकि उनके अवशेष जो है फसल में ना आगे लोगों को प्रोवाइड हो। लोग जो हमसे जो है फ्रूट खरीदेंगे उनमें जो है कुछ अंश चले जाते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स के, तो उस बचाव के दौरान जो है हम कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ समय तक ही जो है कीटों को नियंत्रित करते हैं, पर इससे जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है कीट नियंत्रित रहते हैं। आप इसको सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर, सोयाबीन, सेब, बैंगन, बैंगन में तना छेदक, फल छेदक आपकी जो शिमला मिर्च रहती है उसमें भी जो है वाइट फ्लाई, और भी बहुत सारे थ्रिप्स जैसी बीमारियों को जो है कंट्रोल करने में सक्षम रहता है। आप इसको सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन हार्वेस्टिंग के दौरान आप इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप आज इसका स्प्रे करते हो तो अगले से अगले दिन आप हार्वेस्टिंग आसानी से जो है कर सकते हैं सभी प्रकार की फसलों में। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।